देखिए बहुत कस्टमर को नहीं पता किट वाली ही एक्चुअल डुअल चैनल रैम है। ये एक्चुअल डुअल चैनल रैम को पैक करा जाता है, इसमें अगर एक रैम खराब होगी तो दोनों ही रिप्लेस होंगी। पर बाकी दुकानदार क्या करते हैं, दो रैम लगा के बोल देते हैं डुअल चैनल हो गया, पर ऐसा नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रैम्स एसएसडी एनवीएमए एसएसडी का क्या प्राइसेस चालू है। अभी मैं आया हूँ लखनऊ में, हम लोग जाएंगे आयनासा कंप्यूटर स्टोर में, देखेंगे हमारे रैम्स एसएसडी एनवीएमए एसएसडी के क्या प्राइसेस चालू है। बीच में जरा प्राइसेस हाई थे, एसएसडी के प्राइस जरा शूट अप हुए थे, चलो देखते हैं अभी प्राइसेस क्या चालू है आयनासा कंप्यूटर स्टोर में। ओके तो सर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रैम्स एसएसडी एनवीएमए एसएसडी के सारे प्राइसेस। तो आपने तो रैम्स अच्छे से अरेंज कर दी और मैं देख रहा हूँ आपके डेल्टा सीरीज की जो रेयर रैम है CL16 की वो भी आपके पास अवेलेबल है, सब हमें मैनेज करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते रैम्स से। तो अभी कैसा चल रहा है रैम्स का? बीच में जरा मेमोरीज का प्राइसेस जरा बढ़ गया था, तो कैसा चल रहा है अभी? स्टेबल हुआ है? हाँ, प्राइस नीचे आ गया, स्टेबल हो गया है। और हम कोशिश करते हैं कि जितने भी ब्रांड्स बड़े अवेलेबल है हम सबको लेके चलते हैं। कॉर्सर हमारा मेन फोकस रहता है, कॉर्सर सबसे नंबर वन ब्रांड है, तो उसको हम मेन फोकस लेके चलते हैं। कॉर्सर के जितने वेरियंट आते हैं, प्रो आता है, RS आता है, नॉर्मल वेंजेंस आता है, मीडिया 3 आती है, वैल्यू आती है, सबको हम लेके चलते हैं। हमारे पास सारी कॉर्सर की सीरीज मिलेगी, स्टार्टिंग में क्रूशियल में पास सारी मिल जाएगी, डेस्कटॉप लैपटॉप हिकविजन की मिल जाएगी, ट्रांजेंट की छोटे बजट वालों के लिए 3200 FSB में ये रैम मिल जाएगी, किंगस्टन फ्यूरी थर्मल टेक की टफ रैम XPG। देखने जाए तो आप कॉर्सर स्पेसिफिक हो, कॉर्सर को थोड़ा ज्यादा मेन फोकस करते हैं क्योंकि इनकी वाइड वैरायटी आती है और सब हम लेके चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रैम के प्राइसेस के ऊपर। सबसे बेसिक रैम कौन सा अवेलेबल है आपके पास? बेसिक में 4GB 3200 FSB में ट्रांजेंट की रैम होती है, इसमें नॉन 32 भी आती है, पर आजकल सब 3200 एटलीस्ट मिनिमम लेते हैं, ये 1600 के करीब कॉस्ट करती है 4GB में। इसी में क्रूशियल में हमारे पास 8GB नॉर्मल वाली स्टिक आ जाती है 2400 की, और हिकविजन में भी आती है ये भी 2400, ये दोनों 10 ईयर वारंटी पे रहते हैं। हिकविजन और क्रूशियल दोनों 10 ईयर वारंटी में, वारंटी लाइफ टाइम दे रहे हैं, 10 ईयर तक की वारंटी है हमारे पास इसमें। कॉर्सर में भी 10 ईयर वारंटी, तो ज्यादातर जितनी भी रैम मेरे पास है सब लाइफ टाइम पे रहती है, एटलीस्ट 10 ईयर वारंटी है इनमें। बेसिक से ऊपर अगर हम चलते हैं तो कॉर्सर में आ जाते हैं 8GB 3200 MHz में, राइट नाउ कॉस्ट 2940 है। इसी का वेरियंट 3600 FSB का भी मिल जाता है, जिसमें सिर्फ 200 रुपए का डिफरेंस रहता है, 200 रुपए महंगा रहता है। इसी का फिर ऊपर निकलेंगे तो 8GB 3200 RGB एडिशन आ जाता है RS वाला, ये 3350 का आता है। इसके ऊपर आएंगे तो इसी का प्रो एडिशन आ जाता है 8GB 3200 प्रो एडिशन, ये वाला हमारा 3800 का कॉस्ट करता है, इनी वेरिएंट का 32 और फिर इसका 3600 MHz, ये इससे भी 200 रुपए और ऊपर महंगा हो जाता है ये वाला। और एक ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो वेंजेंस सीरीज है, वेंजेंस सीरीज के जो किट मिलना है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ तो चलता रहता है कि लोग एक एक सिंगल सिंगल लगा के ही चार रैम्स करते हैं ऐसे। मतलब कॉर्सर में जो किट हमारे पास आती है वो ये मिल सकती है हमें 16x2 3200 प्रो सीरीज में। नॉर्मल की किट कंपनी वाले नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉस्टिंग बहुत ऊपर निकल जाता है, नीचे का कंपटीशन बहुत हाई है, मेरी भी कई बार उनसे बात हुई, उनका ये कहना होता है कि जो नॉर्मल की किट है इसकी कॉस्टिंग बहुत ऊपर चली जाती है, तो लोगों को कॉस्ट कम के चक्कर में नीचे की राम लगा लेते हैं, और अगर उनको सच में किट चाहिए तो ये प्रो वाला हमेशा ही किट अवेलेबल है। प्रो में है आप देख रहे हो T-Force में टफ अलायंस वाला रैम भी मैं मैनेज करके रखता हूँ RGB में, तो किट में ये भी हमें मिल सकता है। और किट में प्राइसेस हाई रहते हैं कि सिंगल सिंगल लिया तो सस्ता पड़ता है? देखिए बहुत कस्टमर को नहीं पता किट वाली ही एक्चुअल डुअल चैनल रैम है, ये एक्चुअल डुअल चैनल रैम को पैक करा जाता है, इसमें अगर एक रैम खराब होगी तो दोनों ही रिप्लेस होंगी। ओके पर बाकी दुकानदार क्या करते हैं, दो रैम लगा के बोल देते हैं डुअल चैनल हो गया, पर ऐसा नहीं है। दो रैम लगाओगे दोनों सिंगल सिंगल चैनल ही हुआ, जो रैम किट में आएगी ये ही डुअल चैनल है, सिस्टम तभी डिटेक्ट करेगा कि आपने डुअल चैनल रैम लगाया, जो किट में एक साथ दो पैक होके आएंगे। तो अभी आते इसके प्राइसेस के ऊपर, RGB रैम्स के क्या प्राइसेस चल रहे हैं? RGB रैम में स्टार्टिंग तो RS से ही है, 3300 में ये आ जाता है, फिर प्रो वाला थोड़ा महंगा हो जाता है हमारा, जैसे मैंने प्रो आपको बताया ये इससे 300 रुपए और हायर हो जाता है। किट में आएंगे तो ये 14500 में किट आता है पूरा प्रो सीरीज का। इस वाले किट की बात करेंगे तो ये तो हमारा 6000 में ही अवेलेबल है। ओके 6000 में अवेलेबल है, 8x2 3200 MHz और CL16 वर्जन। हाँ CL16 वर्जन में ये वाले सब है। ओके क्योंकि जनरली CL18 मिलती है सस्ते में। ओके हाँ CL18 तो अभी बहुत चल रही है। CL18 है लेकिन सबको CL16 चाहिए होता तो वो थोड़ा ढूंढना टफ हो जाता, तो इसके लिए हमने CL16 को मैनेज करके रखा। तो अभी आते XPG GAMX के ऊपर। XPG हमारा ये 2850 में 8GB का और 16GB का 5300 में मिल जाता है, 3200 MHz दोनों है और दोनों में 10 ईयर की वारंटी हमारे पास अवेलेबल है। ये हो गए सारे डेस्कटॉप के रैम, अभी आते लैपटॉप रैम्स के ऊपर। हम अगर रैम देखेंगे तो मेरे पास G-Skill क्रूशियल और यहाँ देखेंगे ट्रांजेंट भी मेरे पास है, तो ट्रांजेंट मैं ऑलरेडी निकाल चुका तो मैंने नहीं निकाली, तो ट्रांजेंट क्रूशियल G-Skill हिकविजन सारी रैम लैपटॉप, मतलब लैपटॉप्स की जितनी भी चाहिए 4GB 8GB आपके पास सारे वर्जन अवेलेबल है। 8GB 16GB 2600 MHz 3200 MHz सारी FSB में मेरे पास अवेलेबल रहती है रैम। ये हो गए पूरे रैम्स के ऊपर।
हमें रैम से आपका कॉर्सर का डोमिनेटर प्लेटिनम नहीं दिखा। हाँ, डोमिनेटर थोड़ा सा हाई एंड निकल जाता है तो अगेंस्ट ऑर्डर रहता है हमारे पास वो। ओके, तो उसका एक रेंज बता दोगे एवरेज क्या रहेगा? हाँ, उसमें भी जो किट वाला अवेलेबल रहेगा तो जैसे ये 15,000 में वो 18,000 में रहता है। ओके, 3,000 और ऊपर चला जाता है डोमिनेटर से। आपने जी स्किल के ट्राइडेंट्स मिस किए, ट्राइडेंट्स का एक जरा एवरेज प्राइस बता दोगे क्या चल रहा है? से 100 रुपए नीचे ही रहेगा। मेरे पास कॉर्सर का थोड़ा मेन फोकस है तो इस चक्कर में जी स्किल कम रहता है मेरे पास, लेकिन अगर चाहिए तो जी स्किल भी मिल जाएगा मेरे पास। ओके सर, तो अभी आते हैं स्टोरेज के ऊपर। स्टोरेज में हम लोग देखने वाले SSD, NVMe SSD और हार्ड डिस्क पे। मैं देख रहा हूँ आपने बहुत ही अच्छी तरीके सारे वैरायटीज अपने अरेंज कर दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं साटा हार्ड डिस्क से। पहले साटा हार्ड डिस्क में आपके पास कितने कितने वैरायटीज अवेलेबल है? ठीक है, शुरू तो 500 से होता है पर 500 ब्रांड न्यू नहीं आता, दैट इज रिफर्बिश्ड। साटा में जो हमारे पास स्टार्टिंग होता है दैट इज 1TB ब्लू डेस्कटॉप के लिए 7200 RPM में, 1TB पर्पल ये सर्विलांस के लिए होता है, 3 ईयर वारंटी होता है पर डेस्कटॉप के लिए स्पीड इसकी लो होता है। सीगेट में मिल जाएगा 1TB, 2TB, 4TB और SEWD में भी। तो ये 1TB हमारा राइट नाउ प्राइस थोड़ा हार्ड डिस्क का इंक्रीज हो गया तो 2900 से 3000 रुपीज चला गया। ओके, मतलब शॉर्टेज की वजह से वैसा ही चल रहा है? ये थोड़ा हार्ड डिस्क का प्राइस ऊपर जा रहा है तो दिस इज 3000, इसी का 2TB लेंगे तो दैट इज 4000। हार्ड डिस्क का भी मुझे भी बहुत सुनने में आ रहा है कि हार्ड डिस्क के प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, हार्ड डिस्क एक्सटर्नल इंटरनल सबका प्राइस थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। रीजन क्या है? लाइक शॉर्टेज है प्रोडक्ट का, आगे से सप्लाई नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है? अभी इसका इशू क्लियर नहीं है लेकिन देयर इज समथिंग शॉर्टेज विद हार्ड ड्राइव, क्योंकि SSD के प्राइस नीचे जा रहा है बट हार्ड डिस्क ऊपर जा रहा है। ओके, तो अभी आते हैं SSDs के ऊपर। SSD में देख रहा हूं आपके पास साटा, M.2, NVMe सारे अवेलेबल है, जितने आते हैं तो वो सब है मेरे पास। तो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे सस्ता वेरिएंट कौन सा है अभी के टाइम पे? जो राइट नाउ अभी ब्रांडेड में चलता है दैट इज क्रूशियल 240 GB, 240 WD, 240 साटा में, ये सब इनिशियल सारे हैं। तो दीज आर कॉस्टिंग अराउंड 2390 रुपीज, दैट मीन्स रफली 2400। तो इनके 240 आते हैं, इन्हीं के 480 GB आ जाता है, 500 GB NVMe है, 1TB मिल जाएगा इसमें, MX सीरीज में 500 GB आता है ये मिल जाएगा। तो राइट नाउ प्राइस ये 6500 का है, MX सीरीज 500 रुपए महंगी होती है, ये 4200 का है। NVMe में P2 2550, इसी का 500 GB 3900 का आ जाता है। तो ये हो गए पूरे क्रूशियल की सीरीज। पर अभी मैं सुन रहा हूँ बहुत सारे जो बड़े बड़े कंपनीज है उन्होंने 128 GB जो कैटेगरी है वो बंद कर दिया है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पा रहा उनका, कॉस्ट 1600-1700 जा रहा है, उसके बाद सीधा आदमी फिर 240 ले लेता है, वो नीचे का नहीं बना पा रहे, तो नीचे में लोकल ब्रांड। तो अभी आते हैं XPG के ऊपर। XPG में क्या क्या वैरायटीज आपके पास अवेलेबल है? XPG में S5 मॉडल 256 में भी मिल जाएगा, 512 में भी, ये भी इस वक्त आजकल 2500 कॉस्ट कर रहा है और 512 3900 कॉस्ट कर रहा है, इसी का RGB एडिशन 4800 कॉस्ट कर रहा है, तो इसमें ऊपर हीट सिंक आ जाएगा RGB के साथ। ओके, तो अभी आते हैं WD सीरीज पर। WD सीरीज में मैं देख रहा हूं आपके पास WD ग्रीन, ब्लू, ब्लैक तीनों अवेलेबल है। सब है, तो इसमें ब्लैक तो जेन 4 हो जाता है। ओके, तो ब्लैक में हमारे पास मिल जाएगा 250 से स्टार्ट हो जाता है 3900 का, 512 इसका 7500 में चला जाता है और 1TB जेन 4 इसका 14000 रेंज में जाता है। पर जो सबसे ज्यादा सीरीज चलती है दैट इज ब्लू। ओके, SN570 इसका लेटेस्ट मॉडल है जो 3500 MBPS की स्पीड रेंज में है। तो इसमें 250 2900, 500 GB 4200 एंड 1TB आपका 7800 की रेंज में आ जाते हैं। तो और अगर ग्रीन देखने जाए WD सीरीज में जो ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, उसमें सबसे सस्ता वेरिएंट कौन सा ग्रीन रहता है? हाँ, ग्रीन सबसे सस्ता वेरिएंट है, ये 3 ईयर वारंटी पे रहता है। ओके, बाकी ये लोग 5 ईयर वारंटी पे रहते हैं, इनकी स्पीड थोड़ी परफॉर्मेंस स्लो जाती है। ये इस ब्लू का पहला एडिशन है 2400 MBPS पे, तो राइट नाउ 240 जो इसका कॉस्ट कर रहा है ये 2400 में मिल जाता है हमें। तो इसमें NVMe M2 दोनों एडिशन मिल जाएंगे और इसी का 480 GB भी NVMe में मिल जाएगा, ये इस ब्लू से 500 रुपए नीचे ही रहता है। अभी आते गीगाबाइट सीरीज पे। गीगाबाइट सीरीज में देख रहा हूं आपके पास साटा, M.2, NVMe सारे अवेलेबल है। तो इसमें एक बेसिक सीरीज होती है 256, ये 2500 का आता है, पर इनका ये एक स्पेशल एडिशन आता है हमारा 500 GB में, बट इसमें 2 GB की कैच मेमोरी लगी भी रहती है तो इसकी स्पीड तेज रहती है। जनरली हर कोई कैच मेमोरी नहीं लगाता, ये इकलौती SSD जिसने कैच मेमोरी लगा रखी। ओके, तो क्या प्राइस है इसका? इसका 4500। ओके, तो ये हो गए सारे NVMe SSDs। और आते अभी सबसे मेन ब्रांड के ऊपर सैमसंग। सैमसंग की SSD जरा प्रीमियम बोली जाती है, कॉस्टली रहता है। ओके, तो क्या प्राइस चल रहा है अभी सैमसंग? इस वक्त 1TB 980 में हमारा 8900 में आ जाता है और इसी का 500 GB अगर हम लेंगे तो 5500 के रेंज में आ जाता है, थोड़ा सा 1000 अबव चल रहा होता है, पर अगर मार्केट की सिनेरियो देखें तो इस वक्त WD सबसे ज्यादा चल रहा है। ओके, और सैमसंग में वो जेन 4 सीरीज प्रो सीरीज भी आ रही है, जेन 4 प्रो सीरीज भी आ रही है, दैट इज लाइक 12000 के अबव भी चला जाता है, तो दैट इज रेयर केस। थैंक यू सो मच सर। और गाइस, ये था पूरा वीडियो अबाउट SSD, NVMe SSD, रैम्स। मैंने ऑलमोस्ट सारे रैम्स कवर किए, सारे SSDs कवर किए, ऑलमोस्ट जितने भी ब्रांड्स थे मैंने कवर किए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू गाइस।